एवरीवन, मेरा चैनल देसी फूड फुरंजे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको दिख रहा होगा कढ़ाई में कुछ आपको आटा जैसा, पर ये आटा नहीं होके आपको ये खोआ है। मैं खोआ पहले का वीडियो में बहुत पहले बनाई थी, पर अभी आपको बनाऊंगी तो मेरा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से बना के रख दी हूँ। इसको देखिए, मैं अच्छे से गूथ लेना है। उसमें मैं एक पहले का वीडियो में बनाई थी, उसमें पनीर डाल के आपको गुलाब जामुन बताई थी, पर आज आपको सिंपल तरीके से सिर्फ आपको खोआ से बनाने सिखाऊंगी। देखिए इस तरह से आपको खोआ है, उसको अच्छे से गूथ लीजिएगा। आपको जो हथेली है उससे रख के आपको अच्छे से मसल लेना है एकदम, तभी आपको ये आपको फटेगा नहीं और बहुत मुलायम बनेगा। अच्छे से पूरा देखिए, करीब आपको कम से कम 5 से 7 मिनट आपको इसको अच्छे से मसल लेना। देखिए मैं मसल ली और देखिए एक जगह जमा हो जा रहा है। अगर चाहें तो आप इसमें घी भी लगा सकते हैं, पर देखिए इसमें ऑलरेडी आपको घी का मात्रा रहता ही है, इसलिए मैं घी नहीं डाली हूँ। इस तरह से देखिए मसाला आ गया। अब इसको थोड़ा सा देखिए, मैं इतना थोड़ा फिलिंग के लिए रख लेती हूँ। इसमें मैं फूड कलर मिलाऊंगी ताकि दो कलर दिखे मेरा। इस तरह से देखिए फिलिंग में मेरा इलायची का भी टेस्ट लगे, इसलिए देखिए 2-4 इलायची को मैं खोल ली हूँ और इसका छिलका निकाल के फेंक दी हूँ। और उसी के साथ देखिए जो आपको फिलिंग के लिए मैं थोड़ा सा रखी हूँ उसको भी इलायची में पूरा मिला देना है। इसमें थोड़ा सा देखिए हल्का सा फूड कलर मिला दीजिएगा, मैंने एक चुटकी ज्यादा नहीं। इस तरह से देखिए मैं एक चुटकी, बस यही आपको पूरा कलर आ जाएगा। इसको अच्छे से देखिए, इसको खोआ में पूरा अच्छे से मिला लेना है। इस तरह से देखिए मैं फूड कलर पूरा अच्छे से खोआ में मिला ली। इसको अब एक साइड रख देती हूँ। जो भी मैं खोआ ली हूँ छोटा छोटा गोलियाँ, और अपने हथेलियों से अच्छे से दबा के बनाइएगा, तभी आपको गोल गोल बनेगा। इस तरह से आपको कितना साइज का चाहिए उसके अनुसार अब देखिए ऐसे छोटा छोटा ही लीजिएगा। ये आपको जब आपको रस में घुसता है चीनी का, उसमें आपको फूल के बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए इस तरह से लिए, इस तरह से कटोरी बना लीजिएगा। जो आपको फूड कलर मिला के रखी हूँ मैं, उसको बीच में फिलिंग के रूप में इस तरह से अंदर घुसा के इसको इस तरह से देखिए दबा लीजिएगा। इसको अपने हथेलियों से गोल गोल देखिए इसी तरह सारा आपको जो खोआ है उसी तरह फिलिंग करके आप गोल गोल बना लीजिएगा। इस तरह से देखिए आधा किलो तरह से आपको खोआ से मेरा इतना सारा गोला बन गया। आप घर में कितना इजी से आप घर में ही बना के आपको कितना पैसा का बचत कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये सब मैं आपको गुलाब जामुन बना के ऐसे रख ली। और उसके बाद इस तरह से देखिए गुलाब जामुन डूबने के लिए आपको चीनी का चाशनी बनाना तो जरूर पड़ेगा। इसके अनुसार मैं देखिए 750 ग्राम मैं चीनी ले ली हूँ। आप आधा किलो मैं खोआ ली हूँ, उसके अनुसार देखिए 750 ग्राम, ताकि रस ज़्यादा डूबा रहे और थोड़ा मात्रा ऊपर भी रहे, इसीलिए देखिए ये ज़्यादा ही चीनी का मात्रा ली हूँ। और उसको डूबने पर देखिए मैं पानी मिला ले रही हूँ। इसमें एक तार का चाशनी बना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब इस तरह से गैस में चढ़ा के ऑन कर देना। देखिए पूरा आपको जब तक चीनी मेल्ट नहीं होता है, जब तक पूरा आप चलाते रहिएगा। इस तरह से देखिए पूरा मेल्ट कर लेना है आपको चीनी का। आई चाशनी थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में बना के रखिएगा, ताकि ऊपर से भी आपको जब गुलाब जामुन डूबता है तो ऊपर भी रस रहना चाहिए, ताकि खाने में बहुत ही डिलीशियस लगे। देखिए मेरा करीब 2 या 3 मिनट में ही आपको पूरा चीनी जितना था मेल्ट हो गया। आपको मेरा दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको मलिन दिख रहा है मेरा चाशनी। अब इसको थोड़ा सा साफ करने के लिए देखिए 1 से 2 चम्मच मैं दूध ले ली हूँ, उसको इसमें डाल दूंगी। आप देखिए पूरा गंदगी आपको साइड हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा, कर्मलाइज हो जाता है इससे आपको। अगर इसके जगह आपका दूध नहीं है तो आप नींबू का भी हाफ नींबू काट के आप इसको भी डाल सकते हैं, उससे भी आपका पूरा क्लीन हो जाएगा आपको चाशनी। नींबू का जो काटे हैं उसका रस आप इसमें मिला दीजिएगा, उससे भी आपको ये जो है
चाशनी आपको क्लीन हो जाता है। देखिए थोड़ी देर में आपको एक गंदगी आपको ऊपर दिखने लगेगा, अब गंदगी को पूरा अच्छे से निकाल देना है। इस तरह से आपको दिख रहा होगा, देखिए दूध डालते ही आपको पूरा गंदगी साइड साइड आने लगता है। आप इसको देखिए कितना गंदा है, इसको आप निकाल दीजिएगा इस तरह से, देखिए निकाल दीजिए, तब आपको पूरा चाशनी जो है एकदम क्लीन दिखेगा। देखिए क्रिस्टल एकदम क्लियर दिखेगा, तरह से सारा गंदगी निकाल लीजिएगा। निकल मैं पूरा गंदगी निकाल दिया, थोड़ी देर में देखिए पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा। और इसको एक तार का ही चाशनी, ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिए, क्योंकि डूबने के बाद भी आपको रस पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो आपको गुलाब जामुन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। देख लेती हूँ मेरा एक तार का बना के लिए, देखिए अभी नहीं बना है। इसको एक तार का चाशनी बनाने तक पूरा खौला लेना है। देखिए 5 से 10 मिनट मेरा हो गया, आपको इसको देख लेती हूँ मेरा चिपचिपा हुआ कि नहीं चीनी। देखिए देखिए पूरा वो दिख रहा होगा चिपचिपा। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, नहीं तो आपको गुलाब जामुन है जो आपको रस नहीं पिएगा। इस तरह इसको अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, अब इसको एक साइड कर देती हूँ। अब मैं गुलाब जामुन तल लेती हूँ। देखिए अगर आपके पास घी है तो घी भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है अवेलेबल तो आप रिफाइंड तेल से भी तल सकते हैं, पर घी से तलने से बहुत ज़्यादा ही आपको डिलीशियस लगता है। इस तरह से देखिए मैं ऑयल डाल दी, इसको पूरा तेल को गर्म नहीं करना, हल्का गर्म हो जाए, नहीं अगर पूरा गर्म कर दीजिएगा तो आपको ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। इस तरह से देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा हल्का गर्म हो चुका है। मैं इसी के साथ देखिए धीरे धीरे गुलाब जामुन को डालिएगा, इस तरह से पूरा कभी भी डालिएगा। तेल में डूबा होना चाहिए, नहीं तो अगर ऊपर रहेगा तो आपको टूटने का डर रहता है। इस तरह से तेल आप इसमें इस तरह डालते रहिएगा ताकि ऊपर से भी आपको पकने पूरा अच्छे से आपको पक जाए। थोड़ी देर में आपको देखिएगा आज इसको धीमी आंच पर ही पकाइएगा ताकि अंदर से भी आपको पूरा गोल्डन हो जाए। अब पूरा मैं गोल्डन ब्राउन होता है तरह से देखिए दिखाती हूँ, दिख रहा होगा मेरा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। इसको पूरा उल्टी पलटी करके पूरे तरफ से पकाइएगा, देखिए एक भी आपको नहीं टूटा। इस तरह से धीरे धीरे धीमी आंच पर पकाइएगा, आपका भी इसी तरह होगा। आज इसको थोड़ा डार्क कलर ही कीजिएगा ताकि चाशनी में डूबने के बाद थोड़ा सा फीका ही हो जाता है आपको, क्योंकि रस पूरा अंदर तक चला जाता है, उसके बाद आपको थोड़ा लाइट कलर हो जाता है, इसलिए पूरा डार्क ब्राउन ही कीजिएगा इसमें। देखिए इस तरह से हमेशा चलाते रहिएगा तब ये हल्दी पकता है और बहुत जल्दी आपको देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और चारों तरफ से पकेगा। ये एक भी नहीं टूटा आपको, इस तरह से धीरे धीरे धीमे आंच पर पकाएं और पूरे तरफ से चलाते रहे हम कंटिन्यूस। देखिए मैं इस तरह से चलाते ही हूँ। दिख रहा होगा पूरा मेरा ब्राउन हो गया है। इसी के साथ मैं देखिए पूरा तेल निकलने तक पूरा ऐसे रखिएगा ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो तो निकल जाए। चाशनी देख लीजिएगा कि थोड़ा सुसुम गर्म है कि नहीं, तभी आप इसको डालिएगा। इस तरह से देखिए मेरा चाशनी भी थोड़ा सुसुम गर्म है और ये भी थोड़ा सा हल्का गर्म है ताकि तभी आप एब्जॉर्ब कर पाएगा। इस तरह से देखिए धीरे धीरे पूरा चाशनी में मिला दे रही हूँ, आपको दिख रहा होगा पूरा चाशनी देखिएगा कितना जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको 1 या 1.5 घंटा इस तरह चाशनी में डूबे रहिएगा तभी आपको फूल के बड़ा बड़ा होगा। इस तरह जितना भी रेस्ट बचा है उसी तरह कर लीजिए। देखिए मेरा 1 से 1.5 घंटा हो गया इसको आपको पूरा चाशनी में डुबो के, और देखिए आपको दिख रहा होगा कितना डबल हो गया। मैं आपको सामने से ला के दिखा रही हूँ, देखिए ये बहुत अभी फूल के बड़ा बड़ा हो गया, इसलिए देखिए ना पूरा रस आपको चूस लिया, देखिए टूट भी जा रहा है। देखिए देखिए कितना बड़ा हो गया। कोई कहेगा मैं घर में बनाई हूँ, इस तरह से कितना आसानी से बन भी गया और खाने में उतनी डिलीशियस। इस तरह से देखिए एक सर्विंग बाउल ले रही हूँ मैं, उसमें सारे को मैं इस तरह से
निकाल के रख दे रही हूँ। मैं कट करके भी दिखाऊंगी आपको कितना जूसी और आपको फ्लफी भी बना है। जितना रस है सब भी पूरा डाल दीजिए इसमें। देखिए मैं एक आपको कट करके दिखा रहा हूँ कितना अंदर तक आपको रस चूस लिया होगा आपको एकदम। देखिए कितना फूल के दिख रहा होगा आपको, कितना बड़ा हो गया, मैं कितना छोटा डाली थी। देखिए मैं अंदर तक, देखिए पूरा रस से भरा हुआ है। और देखिए मैं फिलिंग डाली थी वो भी आपको दिख रहा होगा कितना डिलीशियस। इस तरह घर में ही बना के आप बहुत कम समय में खाइए। इस तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए और मैं तरह तरह का डिश बताते रहूँगी। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।